गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आज एमएड सेकेंड ईयर की कक्षा में हमारा टॉपिक है स्कूल की सामाजिक संरचना, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल स्कूल। तो सामाजिक संरचना के आधार पर सभी जानते हैं स्कूल क्या है। एक समाज की एक लघु इकाई। स्कूल को समाज की लघु इकाई इसीलिए बोला जाता है क्योंकि विद्यालय में जो हर तरीके के बच्चे आते हैं, उनका बच्चों के अधिगम पर पड़ने वाला प्रभाव, चाहे उनके परिवार का हो या उस परिवार में जो सामाजिक हैं, संस्कृतियां हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। तो उन अलग अलग संस्कृतियों वाले बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो विद्यालय जो है वो समाज का एक छोटा परिवार बन जाता है। ठीक। तो कुछ स्कूल एक समाज की एक एजेंसी के रूप में कुछ बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे कि समाजीकरण के रूप में स्कूल की क्या भूमिका है। तो पहला है हमारा स्कूल की संरचनात्मक विशेषताएं, यानी स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ स्कूल। तो इसमें क्या है कि स्कूल की संरचना का प्रभाव छात्रों पर विशेष पड़ता है। ठीक। अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका रहन सहन सब अलग होता है बजाय प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के। सरकारी प्राइमरी मतलब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का। तो स्कूल की संरचना में इस तरीके के करीब दो कारक सम्मिलित हैं जिन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन जो है वो स्पष्ट रूप से किया जाता है। इसमें पहला कारक है स्कूल का आकार। स्कूल का आकार अर्थात जो है स्कूल का आकार मतलब छोटा है या बड़ा है, दीवारों का रंग किस तरीके का है, जो दीवारें हैं वो काफ़ी आउटडेटेड तो नहीं है। इसके अलावा जो दीवार स्कूल में जो श्याम पट है, जैसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, वो कैसा है, टूटा हुआ तो नहीं है, सीमेंटेड है या लकड़ी के तख्ते पर है, ये किस तरीके का है। इसके अलावा विद्यालय का फर्नीचर क्या बच्चों के बैठने के अनुकूल है। विद्यालय में जो जो कक्षा में जो खिड़कियां हैं वो पर्याप्त हैं, जितने बच्चों की स्ट्रेंथ है उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा तो नहीं कि पूरी कक्षा में केवल एक ही खिड़की लगी है और बैठने वाले बच्चे वहां संख्या करीब 50 से ऊपर है। अगर इस तरीके का है तो वहां पर जो है बच्चे का जो शैक्षिक वातावरण है वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि गर्मी के टाइम पे और ठंड के टाइम पे दोनों ही कारक जो हैं वातावरण के जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करें। इसके साथ साथ स्कूल स्कूल के आकार के साथ ये भी डिपेंड करता है कि कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। अगर कक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या 50 है और लेकिन कक्षा का आकार छोटा होने के कारण वहाँ 50 बच्चे प्रॉपरली बैठ नहीं पा रहे हैं, तो स्कूल क्या करता है कि एडजस्ट कराता है बच्चों को। ठीक। और एडजस्ट कराने के साथ साथ जैसे एक सीट पर अगर दो लोग बैठ सकते हैं तो वहां तीन लोग बैठ जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे में बच्चे फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं बैठने में। और जो है इसके लिए इसके साथ साथ इसलिए हम क्या करें कि स्कूल स्कूल का आकार हो या कक्षा का आकार हो, बच्चे भाई ए वन रेशियो 30 का जो अनुपात माना गया है एक कक्षा में, एक आदर्श कक्षा में, बस उसी अनुपात को ध्यान में रखते हुए 30 से ऊपर जो भी बच्चे बैठे उनसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट जो है उसको ला दिया। एक कक्षा के कई कई सेक्शन बना दिए जाए ताकि बच्चे जो हैं आराम से अपने अध्ययन कार्य कर सके। ठीक। इसके अलावा अगला हमारा जो सिस्टम पड़ता है वो है कक्षा, जगह एवं संगठन, यानी स्पेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कूल के आकार का प्रभाव भी बच्चों के समाजीकरण पर पड़ता है। तो छोटी छोटी कक्षाओं में जो है इंडिविजुअलिटी अधिक रहती है और सामूहिक क्रियाएं भी अधिक होती हैं,
छात्रों की जो मनोवृत्ति है वो अधिक धनात्मक होती है अथवा जो दुर्व्यवहार भी कम होते हैं। इतना ही नहीं कि छोटी छोटी कक्षाओं में शिक्षक भी अपने छात्रों के व्यवहार से संतुष्ट होते हैं। वह व्यक्तिगत रूप से हर एक छात्र पर निजी तौर पर उन पर उनका ऑब्जर्व कर सकते हैं और बच्चों को आने वाली हर समस्या, जो शिक्षण संबंधी जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन पर वो विशेष रूप से ध्यान दे भी सकते हैं। ठीक, तो कक्षा में छात्र कहाँ बैठते हैं इसका प्रभाव भी उनके सामाजिक, सांवेगिक और शैक्षिक पहलुओं पर पड़ता है। इसके साथ साथ जो बच्चे कक्षा में शिक्षक के सामने बैठते हैं या फिर शिक्षक के स्थान के सामने कुछ दूरी पर बैठते हैं, वे वर्ग में परिचर्चा में अधिक भाग लेते हैं, है ना? क्योंकि वो जो बच्चे कहते हैं, जो बच्चे आगे बैठे हैं वो एक्टिव होते हैं या इधर उधर वाले, लेकिन जो बच्चे पीछे बैठे होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते उतने। क्यों? क्योंकि शिक्षक का ध्यान जो है वो संपूर्ण कक्षा पर नहीं जा पाता, अधिक कक्षा अगर बड़ी है तो। क्या करा जाए? तो कक्षा के संगठन का प्रभाव भी ये भी ध्यान रखे कि जो है छात्रों के समाजीकरण पर पड़ता है। खुला संगठन के होने पर छात्र वर्ग में जो है कतार नहीं बैठकर या पूरे कमरे में जहां तहां बैठे हुए जमीन पर बैठे हैं या अपना ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से बैठने में भी जो है छात्रों के सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। परंपरागत व्यवस्था में कक्षा छात्रों में वर्ग में कतार में बैठाकर शिक्षकों की बातों पर ध्यान दिया जाता है। इन दोनों तरह के व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे हमारे हस्टोन और स्टीन हैं, फ्रिडरिक कोफर सुसमैन द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि सामाजिक रूप से खुली कक्षा व्यवस्था तुलनात्मक रूप से अधिक लाभप्रद होती है। भारतीय मनोवैज्ञानिक जैसे के गांधी और ए मेहता या जो है एस सहस्रबुद्धि ने कक्षा की आबोहवा का मतलब है हमारा वातावरण, उन्होंने कहा है कि छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि खुली आबोहवा वाले छात्रों में व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन उत्तम होता है, मूल्य निर्माण तथा मनोवृत्ति निर्माण भी अधिक धनात्मक होता है। शिक्षकों द्वारा किए गए छात्रों का प्रत्यक्षण और छात्रों पर किए गए शिक्षकों के प्रत्यक्षण पर प्रभाव उनकी अंतःक्रिया पर अधिक पड़ता है। तो यदि दोनों तरह के प्रत्यक्षण अगर अनुकूल हैं तो इस तरीके के बच्चों में जो सामाजिक शील गुण हैं, जैसे उत्तरदायित्व की भावना, अहम शक्ति को बढ़ाना और निर्णय निर्णय करने की क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और जो आत्मसम्मान है इसको मजबूत करना भी जो है इस तरीके की समाजीकरण में आता है। तीसरा बार आता है शिक्षक की भूमिका। तो स्कूल में शिक्षक की भूमिका सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि शिक्षकों को कई तरीके की भूमिकाएं स्कूल में अदा करनी होती हैं, जिनका सीधा सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, उनके समाजीकरण पर पड़ता है। एक शिक्षक एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में, एक अनुशासक के रूप में और एक सामाजिक मॉडल के रूप में भी कार्य करता है। इन सभी भूमिकाओं का प्रभाव छात्रों के सामाजिक और सांवेगिक समायोजन तथा शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि शिक्षक अपने छात्रों से भली भांति परिचित होने से पहले उनसे कुछ उम्मीद या उनसे कोई प्रत्यक्षण यानी एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि जिनका प्रभाव छात्रों के समाजीकरण या शैक्षिक उपलब्धियों पर पड़ता है। जब कक्षा का प्रथम दिन होता है तो एक शिक्षक जब कक्षा में आता है तो वो पहले उम्मीद बना लेता है कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और इनको जो है मैं जो है इन इन इनके इनके जो इनके शिक्षण दिगंबर मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान दूंगा। ठीक, तो उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य करना शुरू कर देता है। अगर उसको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता रहता है तो वो अपने काम में नई ऊर्जा के साथ उन कार्यों को निष्पादित करता है। इसके विपरीत परिणाम आने पर शिक्षक भी जो है यह भ्रांति बना लेता है कि कक्षा ठीक नहीं है, ये बच्चे जो है इतने एक्टिव नहीं है। तो इस तरीके का प्रभाव जो है मनोवैज्ञानिकों ने पिग्मेलियन प्रभाव कहा है। बाद में किए गए पिग्मेलियन प्रभाव की पुष्टि में यह भी सिद्ध हुआ है कि इसकी व्यवस्था करते हुए ग्रोफी, हैरिस और रोजनल, उन्होंने कहा है कि शिक्षक उच्च प्रत्याशी छात्रों और जो है इनके साथ साथ निम्न प्रत्याशी छात्रों में की तुलना में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। अगर शिक्षक
सबके समक्ष अगर कोई मेधावी या प्रतिभाशाली छात्र छात्रों की कक्षा में शिक्षक को भेजा जाता है तो उसके पढ़ाने का तरीका अलग होता है बजाय निम्न स्तर के छात्रों के। तो आज तीन बातों पर चर्चा करिए, कल हम जो नेक्स्ट हमारे तीन बिंदु रह गए हैं आज हम कल हम उन पर चर्चा करेंगे।